निघासन तहसील क्षेत्र के गांव लुढोरी में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए मनरेगा के कार्य में जमकर घपलेबाजी की गई। घपलेबाजी का प्रकरण प्रकाश में तब आया जब कुछ ग्रामीणों के खाते में बिना कार्य करे मनरेगा का पैसा आ गया और उनके बिना पता चले वह पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर हुआ। सोमवार को लुढोली निवासी मेजर सिंह पुत्र जसविंदर सिंह मामले की शिकायत लेकर जितेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचे और उन्हें मामले से संबंधित शिकायत पत्र देते हुए जांच की कार्रवाई की मांग की। जी, मेरा नाम मेजर सिंह, मैं रानीगंज पंचायत लुढोली का रहने वाला हूं। मेरे खाते में, मैं पंजाब में जॉब कर रहा था, मेरे खाते में मेरा पैसे आए, कहां मनरेगा के आए या कहां के आए मेरे को जानकारी नहीं है पूरी किस चीज़ के पैसे आए। लेकिन मैं जब अपना 200-400 रुपये जमा करने के लिए बैंक में आया तो वहाँ पे जब मैंने कॉपी दिया मैनेजर साहब को, उन्होंने चढ़ा कि ये तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं किसके खाते में। तो सर, मैंने जब उनको पूछा कि मेरे पैसे जो 4000 आए किधर से और किसके खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने बोला रमन सिंह सनाफ त्रिलोचन सिंह के खाते में आपके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो सर, वो मैंने ना तो मनरेगा में कभी ड्यूटी कोई अटेंडेंस मेरी है ना मैं करता हूँ, मैं पंजाब होशियारपुर में अपना जॉब करता था।